हेलो फ्रेंड्स, दिवाली आने वाली है, फेस्टिवल शुरू हो चुके हैं, इसीलिए घर घर में अब नमकीन बनती हैं, मिठाई बनती हैं, लड्डू बनते हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं, ये देखिए कितने कुरकुरे और क्रिस्पी खस्ता बेसन के सेव हैं और मठरी। चलिए आइए बनाते हैं। ये मैंने मैदा लिया है, इसमें हम आप इस तरीके से मठरी बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी बनेगी, खस्ता और कुरकुरी। ये मैदा लिया है हमने, इसमें हमने रिफाइंड ऑयल डाल लिया है, इसमें थोड़ा सा नमक और अजवाइन डाल के इसका आटा लगा लेंगे। आटा हमको ना ज़्यादा ढीला लगाना है और ना ज़्यादा टाइट लगाना है, इसका हमको मीडियम साइज का आटा लगाना है। इस तरीके से मसल मसल के इसको अच्छी तरह मिला लेंगे ताकि जो ऑयल हमने डाला है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि दिवाली आती है तो आप अपने घर में क्या क्या बनाते हैं। दिवाली हमारे हिंदू समाज में बहुत ही अच्छा त्यौहार है, इसको सभी लोग बहुत खुशियों के साथ मनाते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। देखिए इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम आटा लगाएंगे। ये देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमको इस तरीके से इसको मिक्स करना है। इस तरीके से देखिए, दिखाती हूँ, इस तरीके से मैदा हमने लगा ली है। अब इसको हम 20 मिनट के लिए ढककर इसको रेस्ट करने के लिए रख देंगे। ये मैंने इसको ढककर रख दिया था। अब हम इसकी छोटी छोटी गोल गोल सी पेड़े जैसे तोड़ते हैं, पेड़े बनाते हैं वैसे ही लोई तोड़ लेंगे और इसको इस तरीके से बेल लेंगे तवा के, और ये चक्कू की मदद से हम इसको हल्का हल्का सा छेद कर देंगे। आप किसी भी चीज़ से कर सकते हैं, इससे हमारी मठरी बहुत ही अच्छी बनेगी, कुरकुरी बनेगी। ये मैंने कढ़ाई में तेल रख दिया था, रिफाइंड ऑयल, इसको गरम कर लेंगे और गरम करने के बाद इसको धीमा कर देंगे, बिल्कुल धीमी गैस पे धीमे धीमे हम मठरियों को सेकेंगे। इसका कलर जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब इसको निकालेंगे। देखिए मैं दिखाती हूँ, आप ऐसे ही बनाएं। इसको डालने के बाद हमें तुरंत इसको चलाना नहीं है, ऐसे ही इसको धीमी गैस पे गोल्डन ब्राउन होने पे धीमे धीमे सेकेंगे। ये मैंने पलट दी थी, ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। दोनों तरफ से पलट पलट के हमने सेक लिए हैं। चाय के साथ ये बहुत ही अच्छी लगती हैं, टेस्टी लगती हैं खाने में। ये देखिए सारी मठरी हमने बना के तैयार कर ली हैं। अब आइए हम बनाते हैं बेसन और आलू के सेव। ये हमने बेसन लिया है यहाँ पे और 3 आलू लिए थे, उसको बॉईल करके उसको बॉईल कर लिया है हमने, उसको ठंडा करके इस तरीके से हम आलूओं को कद्दूकस करके मिलाएंगे। इसमें आलू और बेसन मिला के आप इस तरह सेव बनाएं तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। तीनों आलू को हम इसमें ऐसे कद्दूकस कर लेंगे, अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। और इसमें अब हम सरसों का तेल डालेंगे। आप बेसन के सेव सरसों के तेल में ही बनाएं, इसमें ही ये टेस्टी बनते हैं और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा और मिलाएंगे, इससे कुरकुरे बनेंगे, क्रिस्पी बनेंगे।
इस तरीके से हाथों की मदद से हम इसको मिक्स करेंगे। सबको अच्छे से मिक्स करके अच्छा सा हम इसका आटा लगा लेंगे। इसका आटा हमको थोड़ा गीला ही रखना है, क्योंकि हमारे पास बेसन के सेप वाली मशीन है, तो उसमें आटा अगर टाइट हो जाएगा तो वो उसमें से अच्छे से निकलती नहीं है। आटा हमारा लूज़ रहेगा, सॉफ्ट रहेगा, तो वो आसानी से निकल आते हैं। तरीके से हम पानी मिला के इसको रख देंगे थोड़ी देर के लिए, बेसन हमारा फूल जाएगा। इसमें हमने नमक डाला था। अगर आपको अच्छे लगते हैं मसाले तो आप इसमें चाट मसाला, रेड चिल्ली पाउडर और मसाले ऐड कर सकते हैं। बच्चों को ज़्यादा चटपटा नहीं पसंद होता है, तो हमने सिर्फ इसमें नमक डाला था। ये देखिए हमने तेल चढ़ा दिया, ये मशीन है हमारी। अभी मैं इसके अंदर आपको डाल के दिखाऊंगी। सरसों का तेल हमने गर्म करने के लिए रख दिया था, खूब अच्छे से गर्म हो जाए, फिर हम इसको धीमा करके इसमें सेकेंगे अलट पलट करके। आप इस तरीके से बनाएंगे तो बेसन के सेब बहुत ही टेस्टी लगेंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर है। ये मशीन है हमारे पास, इसमें हम मैदे को इस तरीके से भर लेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। थैंक यू।